हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस ऑफ क्लास सिक्स। वी आर स्टडिंग चैप्टर वन। सो वी हैव टेकन टू क्लासेस फॉर चैप्टर वन। चैप्टर वन की हमने दो क्लासेस अभी तक ले ली हैं। चैप्टर वन की फर्स्ट क्लास में हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि सोर्स ऑफ फूड है वो कितने टाइप के होते हैं, और जो न्यूट्रिशन एनिमल्स और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, और हमने इसके जो है प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया था, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया था। कंज्यूमर्स के अंदर हमने जो है थ्री जो इसके थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, वो हमने स्टडी कर लिए थे। ह्यूमंस के जो आइटम्स है जो हमको प्लांट से मिलते हैं और जो हमको एनिमल से मिलते हैं, ये हमने स्टडी कर लिए थे। और ये एक्टिविटी फर्स्ट थी, वो मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी बुक में करनी है ये। सो आई होप आपने कर ली होगी। सो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने जो है इनका हिंदी मीनिंग लिखा है। डिकम्पोजर्स मतलब विघटक, मतलब किसी चीज़ को तोड़ने वाले, एंड सेप्रोफाइट्स मतलब परजीवी जो किसी दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे या दूसरे एनिमल्स के ऊपर पूरी तरह अपनी फूड और लिविंग जो सराउंडिंग्स के लिए डिपेंड रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया एंड फंगाई आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और जो फंगाई होती है वो क्या होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं। दे ईट डिकेइंग मैटर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या खाती हैं, डिकेइंग जो मटेरियल्स हैं, जो सड़े गले चीज़ें हैं, जो गल रही होती हैं वो खाते हैं, डेड प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स, डेड एनिमल्स की जो है वो ये खाते हैं। एंड इन द प्रोसेस दे ब्रेक देम डाउन एंड डिकम्पोज देम। और इस प्रोसेस में वो उनसे अपना फूड लेने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, उनको जो है ब्रेक करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं एकदम, जो है उनको उनका कंपोजिशन एकदम रिवर्स कर देते हैं। जब डिकम्पोज मतलब बनने का उल्टा, ख़त्म करना। When that happens, और जब ये होता है, जब वो decompose कर रहे होते हैं, they release nutrients and minerals, salt back into the soil। और जब वो अपना जो है food ले रहे होते हैं decaying material से, उस process के अंदर जो nutrients होते हैं, जब वो breakdown करते हैं उस decaying matter का, जब उसको और छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो जो nutrients, minerals और salt जो हैं, जो उनको मिले थे पहले जब वो ज़िंदा थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वापस से उसको soil में वापस से भेज रहे हैं। Which are then used by plant, जो पहले प्लांट ने यूज़ करे, तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन के टाइम पे वापस से सॉइल में मिल रहे हैं। फूड इन्ग्रीडियंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब हम देखेंगे फूड इन्ग्रीडियंट्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड इन्ग्रीडियंट्स। अब हमने देखा था पहले कि जो प्लांट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फूड इन्ग्रीडियंट्स के लिए। फूड इन्ग्रीडियंट मतलब खाने का सामान, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली सामान जो होता है हमारे खाने का वो कहाँ से आता है, प्लांट्स से आता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट आर सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वो अलग अलग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाने के काम में आते हैं। वी ईट स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट्स के हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, उनके रूट्स खाते हैं, उनके लीव्स खाते हैं और उनके फ्लावर या फ्रूट भी हम खाते हैं। वी ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सैरल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट। अब प्लांट से हमको क्या क्या मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, पल्सेस यानी दालें मिलते हैं, सैरल्स यानी अनाज मिलते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, बेवरेज मतलब कॉफ़ी या टी वो मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं हमको ये, प्लांट से ही मिलते हैं। दे आर अराउंड 200 प्लांट स्पीशीज विच आर कल्टिवेटेड फॉर फूड। और फूड के लिए अगर हम बात करें, फूड के लिए कम से कम 2000 टाइप के प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। कल्टीवेट करना मतलब उपजाना, फूड के लिए बनाए जाते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर है जो है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट्स के, वो दिखाए गए कि जो हम ईट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रूट की, तो रूट्स के अंदर हम कैरेट और जो है बाकी के जो है वो है हम खाते हैं। स्टेम की बात करें तो पोटैटो है एग्स का एग्जांपल। सीड की बात करें जो सैरल्स, पल्सेज है, ये मोस्टली किस में आते हैं, सीड्स में आते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो इसका जो है प्लांट का फ्रूट पार्ट होता है। लीव्स है जैसे कि स्पिनच वगैरह हो गया, कोरिएंडर हो गया, उनकी स्पिनच हम खाते हैं। फ्लावर की बात करें जो कैबेज वगैरह है, ब्रोकली वगैरह है, वो प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की। अगर हम बात कर रहे हैं जो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट की। रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज एज फूड लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट एट्सेट्रा। तो अगर हम बात करें रूट की, तो रूट कौन कौन से प्लांट की हम मोस्टली रूट खाते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है रूट्स सर्टेन प्लांट्स की जो है हम यूज़ करते हैं फूड के तौर पे, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, टर्निप, शलजम जो होती है उसको टर्निप बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, शक्करकंद, बीट रूट, चुकंदर। तो ये सब जो है हम ये जो रूट पार्ट होता है किसी प्लांट का, रूट पार्ट होते हैं ये जो हम खाते हैं। इन सम प्लांट द रूट्स आर और पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम आर एनलार्ज इन ऑर्डर टू स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कुछ जो प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होती हैं या उनके जो रूट्स के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज होता है, एनलार्ज जाते हैं ताकि उसके अंदर स्टार्च था। अब स्टार्च क्या था, पढ़ा था हमने, लीव्स है, ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टार्च की फॉर्म में जो है बाकी के अदर बॉडी पार्ट में प्लांट के सेव कर लेती हैं। सो जो स्टोर्ड स्टार्च है वो जो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टोर्ड स्टार्च है वो उस रूट सिस्टम को एनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च के अलावा क्या आते हैं, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी उस जो है एनलार्ज रूट या रूट सिस्टम में होते हैं। अ ट्यूबरस रूट और स्टोरेज रूट इज एनलार्ज टू फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑर्गन। अब जो ट्यूबरस रूट है या स्टोरेज रूट है वो कैसे काम करती है, वो जो है बड़ी हो जाती है और स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद नोटेबल ट्यूबरस रूट इंक्लूड स्वीट पोटैटो, कैरेट, कैसावा, टर्मरिक एंड डेलिया। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ऐसे प्लांट जिसके अंदर ट्यूबरस रूट होता है, उनमें से जो फेमस वो जो है फेमस ट्यूबरस रूट है वो क्या क्या होते हैं, स्वीट पोटैटो, शक्करकंद, कैरेट, गाजर, कैसावा, टर्मरिक एंड डेलिया। ये भी प्लांट्स होते हैं जो जो इनका स्टोरेज रूट है वो होता है। सिंस दे आर न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें सब में, सो क्या होते हैं, एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं ये। देखो एग्जांपल दे रखा है टर्निप और कैरेट का। आगे हम बात करें सीड की। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी फॉर द प्लांट्स इनिशियल ग्रोथ। अब जो सीड होते हैं, हमको पता है कोई भी प्लांट है वो नॉर्मली मोस्टली प्लांट से वो सीड से पैदा होते हैं, तो सीड में जो प्लांट को ग्रो करने की इनिशियल जो ग्रोथ करने की उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए या किसी और एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छे होंगे वो, जो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फूड के किसी भी एनिमल्स के लिए, या अगर हम इन ह्यूमंस की बात करें, सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं ह्यूमंस के लिए भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फूड के, क्योंकि उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं, किसी भी प्लांट की इनिशियल ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, तो हमारी बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं वो। अ मेजर ऑफ फूड कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग्स आर सीड बेस्ड फूड। और जो भी मोस्टली हम खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा जो फूड कंज्यूम करते हैं हम जो ह्यूमन बींग्स करते हैं वो सीड बेस्ड फूड होता है, मतलब जो है सीड से बना हुआ जो है फूड होता है वो। एडिबल सीड्स इंक्लूड सेरल्स सच एज, जो एडिबल सीड की अगर हम बात करें उसमें सेरल्स भी आते हैं और उसके अंदर जो है पल्सेस वगैरह वो भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट है जो उसमें सैरल क्या क्या आते हैं, सैरल्स हो गए जैसे मेज़, वीट, राइस। मेज़ मतलब बाजरा, वीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल। सो ये जो है मेजर जो सैरल्स है वो सीड ही होते हैं। उसके अलावा जो है लेगमिस मतलब फलियां, जैसे कि बीन्स और पीज हो गए, है ना, पीज जो है मटर है या मटर की फलियां है, या जो बीन्स हो गए जैसे कि जो है हमारे पास राजमा वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गई, ये सब के सब किस में आते हैं, लेगमिस में आते हैं, फलियों में आते हैं। और ये सब भी क्या होते हैं, सीड होते हैं ऑब्वियसली। एंड नट्स, जो हमारे नट्स आते हैं आलमंड है, कैशू है, ये सब क्या है, नट्स होते हैं, तो ये भी किस में आते हैं, सीड में आते हैं। ऑयल सीड सच एज सनफ्लावर, रैपिस सीड, कोकोनट, ग्राउंड नट, कॉटन सीड, सोयाबीन एंड सीसम आर ऑफन प्रोसेस टू प्रोड्यूस रिच ऑयल। और अगर हम सीड्स की बात करें तो उसमें जो कई सीड्स हैं वो जो है ऑयल बनाने के काम में आते हैं, जो है रैप सीड, सफ़ेद सरसों के सीड को रैप सीड बोलते हैं, कोकोनट, नारियल के सीड को जो होते हैं, नारियल जो होता है, नारियल फ्रूट होता है एक्चुअली, बट उस यहाँ पे दे रखा है ऑयल के लिए।
ग्राउंड नट है, मूंगफली, कॉटन सीड, कपास जो होता है जिसको बिनोला भी बोला जाता है, सोयाबीन एंड जो सीसम है, सीसम यहाँ तिल के लिए है, ऑफन जो है इनको प्रेस करके, इनको दबा के इनसे क्या करते हैं, ऑयल्स निकालते हैं जो हमारे जो है फूड इंग्रेडिएंट्स में भी काम आते हैं, उसके अलावा हमारे स्किन केयर और हेयर केयर के अंदर भी ये काम आते हैं। इसके बाद है स्टेम, सो ये स्टेम वाला करते हैं आज। ये स्टेम है, स्टेम इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स। अब स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है कई बार जो है अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है, कई बार अंडरग्राउंड करता है, कई बार अपर ग्राउंड करता है, और लीव्स से बनाया हुआ खाना है वो स्टोर करता है। जिंजर, पटेटो, गार्लिक, सिनेमन, शुगर कैन, ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। अगर हम मॉडिफाइड स्टेम की बात करें, मॉडिफाइड मतलब जिसमें फूड स्टोर कर रखा है। अब हर स्टेम है वो तो होती नहीं है, सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है स्टेम की ही बात हो रही है। जिंजर, अदरक, पटेटो, आलू, गार्लिक, लहसुन, सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी जो है एक स्पेसिफिक मसाला होता है, शुगर कैन, ऑनियन एंड मॉडिफाइड आर द मॉडिफाइड सीड। ये सब क्या है, मॉडिफाइड सीड स्टेम है। दीज फूड इन्ग्रीडियंट्स आर पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स। और जिस प्लांट से ये हैं उसके जो है ये फूड इन्ग्रीडियंट्स हैं। और कौन सा पार्ट है उस प्लांट का, ये स्टेम वाला पार्ट है। देर आर प्लांट्स विच हैव टू और मोर पार्ट्स विच कैन बी यूज एज फूड इन्ग्रीडियंट्स। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनका हम ना एक से ज़्यादा पार्ट है वो फूड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स कैन बी ईटन एज वेजिटेबल एंड द सीड आर यूज टू गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। अगर हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें, सरसों के जो लीव्स है वो वेजिटेबल के तौर पर काम में ली जाती है, उसके अलावा जो उसके ऑयल जो उसका जो सीड है वो ऑयल निकालने के लिए काम में लिया जाता है। तो उसके दो पार्ट हैं जो हम जो है फूड इंग्रेडिएंट के तौर पे काम में लेते हैं। सो जो है आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। इसमें जो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसके अंदर डिकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया है, और कौन कौन से पार्ट के प्लांट के पार्ट है वो फूड इंग्रेडिएंट के तौर पे काम आते हैं हमने स्टडी कर लिया है। हमने इसमें देखा है कि जो प्लांट का रूट पार्ट है वो भी हम फूड की तरह काम में लेते हैं, सीड पार्ट भी फूड की तरह काम में लेते हैं, और जो स्टेम वाला पार्ट है वो भी हम फूड की तरह काम में लेते हैं। इसके आगे जो है इसके जो हम बात करेंगे फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, हमने नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रिवाइज दिस चैप्टर, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आस्क, एंड थैंक यू।